गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? क्या हम लाइव हैं? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? प्लीज़ कंफर्म। कंफर्म कीजिए। गुड इवनिंग टू एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्ते, गुड इवनिंग रोहिल। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? गुड। गुड इवनिंग जगदीश। नमस्ते पिंकी। कोई प्रॉब्लम हो पिछली क्लासेस की, किसी को भी, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में उन कमेंट्स को देखकर जवाब दूंगा। वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ये पढ़ाई क्लासेस में आपको कैसी लग रही है, इसको भी आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले ज़रा ये देखिए, अनअकैडमी के लिए, अनअकैडमी की तरफ से अनअकैडमी एस्पायर, ठीक है ना, ये एक ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट सीरीज़ हो रही है और इसके अंदर एक्साइटिंग प्राइजेज एंड स्कॉलरशिप है टॉप 50 रैंकर्स के लिए, ठीक है। तो ये 25 सितंबर से हर महीने होगी। अब आगे देखिए, कई सारी अनअकैडमी की तरफ से बेसिक बहुत अच्छे फीचर्स आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और जो अनअकैडमी का कोर्स ज्वाइन करने के डिफरेंट टाइप के फीचर्स है वो देखिए आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। हिंदी में क्लासेस होगी, इंग्लिश में होगी, बायलिंगुअल होगी, मतलब सेपरेट बैचेस सारे होंगे। गुड इवनिंग टू एवरीवन, ठीक है ना। सारी परफॉर्मेंस एनालिसिस, डेली करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आपको मिल सकेगी। करंट बैचेस एक कल से 28 सितंबर से शुरू हो रहा है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और ये रहा इसका पूरा का पूरा तैयारी का कैसे मापदंड है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अनअकैडमी के क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। और अमित सर 10 रेफरल कोड, ये मेरा कोड है, इसका उपयोग आप करेंगे तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ, मुझे सजेशन भी है मेरा कि एक तरीके से आप लोग जो अपने लॉकडाउन पीरियड के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई का कोई लॉकडाउन नहीं होता भाई, यू हैव टू स्टडी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट इज लिक्विडिटी ट्रैप? लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है? गुड इवनिंग नरगिस, गुड इवनिंग जिया सिंह, गुड इवनिंग रामकुमार, समर, संध्या, गुड। हाँ, व्हाट इज लिक्विडिटी ट्रैप या लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, हमें ये देखना है। इन एन इकोनॉमी व्हाट इज लिक्विडिटी ट्रैप, व्हाट इज लिक्विडिटी ट्रैप, ये है क्या? देखिए भाई, पहला देखते हैं लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब क्या है, ठीक है। अब देखिए लिक्विडिटी ट्रैप के अंदर कौन सी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है, पहला देखते हैं। द इंटरेस्ट रेट इन मार्केट विल बी वेरी लो और जीरो। दूसरा देखते हैं, पीपल आर एंड बिजनेस बोथ विल होल्ड ऑन देयर कैश एंड डोंट स्पेंड, लोग खर्च नहीं करते हैं। आगे देखते हैं, पीपल विल बी विलिंग टू स्पेंड। और फोर्थ है, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक इंक्रीजेस। अब समझते जरा ये है क्या लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन। मान लीजिए कि ये RBI है, ये बैंक है और ये कस्टमर है। RBI चाहता है कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी इंक्रीज हो। RBI क्या चाहता है, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी जो है वो इंक्रीज हो। तो RBI बैंकों को एक तरह से रेपो जैसे ऑपरेशंस करके या कम इंटरेस्ट रेट पर बैंकों को पैसे दे देता है। जब ये कम इंटरेस्ट रेट पर बैंकों को पैसा मिल जाता है, ऐसी कंडीशन में बैंक मार्केट के अंदर लो इंटरेस्ट रेट पर पैसा देने को तैयार हो जाते हैं। बैंक्स आर विलिंग टू
टू बो बैंक्स आर विलिंग टू स्पेंड द मनी, या बैंक्स जो है वो कस्टमर को लो इंटरेस्ट रेट पर पैसा देने को तैयार हो जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है भाई, द इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट विल बी वेरी लो और जीरो। वेरी लो तो जीरो तो नहीं, लेकिन बहुत कम हो जाती है इंटरेस्ट रेट, क्योंकि बैंकों को आरबीआई से अच्छे से मिल रहा है। पीपल एंड बिजनेस बोथ विल होल्ड ऑन देयर कैश एंड डोंट स्पेंड। लेकिन होता यह है कि जो लोगों के पास में पैसा है, लोग जो है वो स्पेंड करने को तैयार नहीं होते हैं, मतलब लोगों को खर्च करने की अभी अभी विल नहीं है, लोगों के पास ये विल नहीं है कि वो खर्च करे, वो दे आर नॉट विलिंग टू स्पेंड। जब लोग खर्च करने को भी तैयार नहीं होंगे और इंटरेस्ट रेट मार्केट के अंदर लो है, बेसिकली होता ये है कि इकोनॉमी के अंदर जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट लो होती है, लोग ज़्यादा बोरो करके खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। बट कभी कभी ये सिचुएशन जिसको लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं, ये अराइज हो जाती है, और इस सिचुएशन के अंदर होता यह है कि लोग खर्च करने को तैयार नहीं है और इधर इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। अब थर्ड स्टेटमेंट गलत है, पीपल विल बी विलिंग टू स्पेंड, ये गलत है। अब देखिए, इससे बैंकों के डिमांड डिपॉजिट बढ़ते जाते हैं, लोग अपना पैसा मार्केट में खर्च करने की बजाय, स्पेंड करने की बजाय बैंकों के अंदर डिमांड डिपॉजिट यानी कि अपने सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट के अंदर रखते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसी सिचुएशन जिसमें आरबीआई चाहता है या केंद्रीय बैंक चाहता है, संस्थाएं चाहती है कि मार्केट के अंदर पैसा खर्च हो, ऐसी सिचुएशन जिसमें जो जितनी ऑर्गेनाइजेशन है वो चाहती है कि मार्केट के अंदर स्पेंड बढ़े, खर्च हो, और इसीलिए वो इंटरेस्ट रेट को कम कराती है। इंटरेस्ट रेट कम रहता है लेकिन लोग खर्च करने को तैयार नहीं रहते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन आ गई। एक तरह से यहाँ बैंकों के पास में लिक्विडिटी फंस गई है। ये लिक्विडिटी का मतलब हुआ पैसा फंस गया है, ये आगे से आगे रोटेट नहीं हो रहा है। सो आंसर इज सी, 1, 2 एंड 4 आर द करेक्ट आंसर। सी मतलब इसमें थर्ड जो पॉइंट है वो थर्ड पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? सबको क्लियर है कि नहीं है कि आंसर सी क्यों है? चलिए, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं, ये इसका एक्सप्लेनेशन भी पूरा है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कि स्टेटमेंट्स को कंसिडर कीजिए, ये जो कथन आपके सामने है, जो स्टेटमेंट्स हैं इनको आप कंसिडर कीजिए, इनको जरा नजर में देखिए कि क्या है। इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर कौन होता है और डेबिटर कौन होता है? ये क्रेडिटर है, जिसने किसी को उधार दिया है वो डेबिटर है, लिया है वो डेप्टर है, और जिसने उधार दिया है वो क्रेडिटर है। सर क्या ये कंडीशन सिस्टम और गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी पर? बिल्कुल क्वेश्चन अराइज हो जाती है, बिल्कुल क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो उधार देने वाला है ये क्रेडिटर है, इसने इसको 100 रुपये दिए, इसने लिए, ये डेप्टर है, इसको चुकाना है बेचारे को, ये डेप्टर है और ये क्रेडिटर है, इसको अच्छे से समझ लेना, अक्सर करके लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। इन्फ्लेशन बेनिफिट्स डेप्टर, दूसरा ये है। इन्फ्लेशन बेनिफिट्स बॉन्ड होल्डर्स और इन्फ्लेशन बेनिफिट्स डिपॉजिटर्स, देखते जरा ये चीज़ें क्या क्या है। तो क्रेडिटर डेबिटर वाला कॉन्सेप्ट तो ये है। दूसरा क्या है, बॉन्ड होल्डर कौन होता है? गवर्नमेंट ने एक बॉन्ड इशू किया और जिसने बॉन्ड रखा, जिसने खरीदा, वो कहलाएगा बॉन्ड होल्डर, ठीक है ना, वो कौन कहलाएगा? बॉन्ड होल्डर। इसको गवर्नमेंट ने कहा था कि आप हमको 100 रुपये दो, हम आपको 6 महीने के बाद 110 दे देंगे, ये बॉन्ड होल्डर है जिसको फिक्स रिटर्न मिलना है। तीसरा क्या है हमारे पास में, डिपॉजिटर्स, बैंक के पास में पैसा जमा कराने वाला, ये बैंक है, और अगर आपने इसके पास में पैसा जमा करा दिया तो आप डिपॉजिटर हैं। अब कौन फायदे में रहता है, कौन नुकसान में रहता है, इसको देखते हैं। याद रखना, ये जो डेबिटर है जिसने उधार लिया, अगर वो मान लो इसको 10 रुपये ब्याज के सहित चुका देता है तो क्रेडिटर के पास में कितना आएगा? 110 रुपये। जब उधार दिया था तब देने वाले ने सोचा था कि मुझे 10 रुपये रिटर्न मिलेगा, यानी कि 10 रुपये ब्याज मिलेगा, और इसलिए उसने उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 100 रुपये पर 10 रुपये ब्याज कमाना उचित समझा। लेकिन अब क्वेश्चन क्या है, महंगाई आ गई, अगर महंगाई आ गई तो ये 10 रुपये इसको मिले हैं ब्याज के, क्या इसकी उतनी वैल्यू रह जाएगी जितनी की इसने देते समय सोची थी, है ना, या जितनी की देते समय इसने सोचा था कि 10 रुपये में ये चीज़ें खरीद ली जाएगी, क्या अब 10 रुपये में इतनी वैल्यू रह जाएगी क्या? तो 10 रुपये में उतनी वैल्यू ही नहीं रहेगी, इसलिए इन्फ्लेशन क्रेडिटर को बेनिफिट नहीं करेगा। इस बात को समझे कि नहीं समझे, पहले जो चीज़ें 10 रुपये में आ जाती थी अब वही चीज़ें 12 रुपये में आ रही है क्योंकि महंगाई आ गई है।
और महंगाई के कारण इन्फ्लेशन क्रेडिटर को बेनिफिट नहीं पहुंचा रहा है। दूसरा देखिए, इन्फ्लेशन बेनिफिट्स डेप्टर, ये सही है। क्यों? क्योंकि इसने उधार लेके अपना उस समय का काम निकाल लिया और जिससे उधार लिया उसको ब्याज सहित भी पैसा रिटर्न अगर ये करेगा तो भी महंगाई की सिचुएशन में ये फायदे में रहेगा। थर्ड देखिए, इन्फ्लेशन बेनिफिट्स बॉन्ड होल्डर्स, नहीं, इसको भी फिक्स रिटर्न मिलना है 10 रुपये, और 10 रुपये रिटर्न जब इसको मिला तो उस 10 रुपये की उतनी वैल्यू नहीं रह गई जितने की वैल्यू उसने सोची थी, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। इन्फ्लेशन बेनिफिट्स डिपॉजिटर्स, ठीक है ना, इन्फ्लेशन जो है वो डिपॉजिटर को बेनिफिट पहुंचाता है, ये भी नहीं, क्योंकि बैंक यहाँ पर आपको एक इंटरेस्ट देगा और उस इंटरेस्ट की वो वैल्यू नहीं रहेगी जो आपने पैसा जमा कराते समय सोची थी। तो केवल स्टेटमेंट 2 सही होगा, आंसर बी सही होगा, इसका मतलब ओनली 2। यस, एनी कन्फ्यूजन, एनी क्वेश्चन? नरगिस सुल्ताना, जी आर रोहिल सागर, पिंकी चौधरी, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और मुझे उम्मीद है कि ये सीरीज पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन भी इसके साथ में है तो आपको थोड़ी सी और सुविधा हो जाएगी। मैं हिंदी वालों के लिए यहाँ ट्रांसलेट भी कर रहा हूँ। चलिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है? द टर्म प्रोविजनिंग इन द बैंकिंग सेक्टर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रोविजनिंग जो है वो इनमें से किससे रिलेटेड है? द टर्म प्रोविजनिंग इन द बैंकिंग सेक्टर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किससे प्रोविजनिंग नामक टर्म जो है वो रिलेटेड है? लेट अस सी। देखिए भाई, आंसर तो होगा बी, इट इज द अमाउंट ऑफ फंड दैट द बैंक नीड्स टू सेट असाइड व्हेन द लोन टर्न एनपीए। देखिए, जब लोन एनपीए हो जाता है, जब कोई भी लोन एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट हो जाता है, ये कब होता है? जब 90 दिन बीत जाए कम से कम और बैंकों को किसी प्रकार का रिटर्न नहीं मिल रहा हो, बैंकों को उसका चुकान वापस नहीं आ रहा हो, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? ऐसे को बोलते हैं एनपीए। अब इस एनपीए में, इट इज द अमाउंट ऑफ फंड दैट द बैंक नीड्स टू सेट असाइड व्हेन द लोन रिटर्न एनपीए, इसको जरा समझते भी हैं कि इसका मतलब क्या है। एनपीए का ज्यादा होना फाइनेंशियल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। टू टैकल द एनपीए और बैड असेट प्रॉब्लम आरबीआई हैज डिसाइड सेवरल मैकेनिज्म एंड इंपॉर्टेंट वन ऑफ देम इज प्रोविजनिंग नॉर्म्स। अगर आपको एनपीए की सिचुएशन को हैंडल करना है तो आरबीआई ने बहुत सारे मैकेनिज्म बनाए हैं, जिसमें से एक मैकेनिज्म क्या है? एनपीए प्रोविजनिंग। इन बैंकिंग लेक्सिकन, प्रोविजनिंग मींस टू सेट असाइड अ प्रोवाइड और प्रोवाइड सम फंड्स टू कवर अप लॉसेस इफ थिंग्स गो रॉन्ग एंड सम ऑफ देयर लोन्स टर्न इनटू बैड असेट्स। मतलब अगर आपका कोई असेट एनपीए हो जाता है, आपने कोई लोन दिया और अब उस पर किसी प्रकार का रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो आपको एक असेट साइड में रखना पड़ेगा फंड का जो कि उसको कवर अप करेगा। The banks need to provisioning some funds as a percentage of their loans and advances for standard assets which have not turned NPA. The requirement of provisioning is very less, 0.4%. मतलब जितना आपने NPA करवाया है, मतलब अगर मान लीजिए 100 रुपये आपका NPA हो गया है, तो आपको उसका 0.4% जो है अलग रखना पड़ेगा। मतलब इंडिया में provisioning का जो percentage है वो कम है, इंडिया का जो प्रोविजनिंग का जो परसेंटेज है वो कम है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? प्रोविजनिंग। और देखते हैं एक और डेफिनेशन, यहाँ हाथों हाथ ही समझ लीजिए। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो इज द प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज ऑफ फंड्स टू बी सेट असाइड बाय द बैंक्स फॉर कवरिंग द प्रोस्पेक्टिव लॉसेज ड्यू टू बैड लोन्स। बैंकों को भविष्य में संभावनाएं हैं कि लोन्स एनपीए हो सकते हैं, तो उस जितना लोन उसने मार्केट के अंदर दिया है उसका एक डेफिनेट रेशियो उसको अपने असेट्स के रूप में साइड में रखना है, अपने फंड के रूप में साइड में रखना है, उस रेशियो को बोलते हैं द प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम देयर प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल, इफ द प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो इज 70% फॉर अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ लोन, देन बैंक टू हैव सेट असाइड फंड इक्विवेलेंट टू 70% ऑफ दोज लोन आउट ऑफ देयर प्रॉफिट। जो बैंकों को प्रॉफिट हुआ है ना भाई, जो भी बैंकों को प्रॉफिट हुआ है उसमें से उसने 70% बाहर रख दिया। किसका? जिन पर लोन्स पर उनको डर था कि ये एनपीए हो सकते हैं, जो लोन एनपीए हो सकते हैं उसका 70% बाहर रख दिया, अगर प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो 70% है, एक एग्जांपल के रूप में हमने लिया है। तो ये प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो है जो बैंकों को अपने बैड असेट्स के रिगार्डिंग जो है अपने प्रॉफिट में से साइड में रखना पड़ता है। और आप समझ लेना, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इससे अलग है, हम कल वाली सीरीज में इस पर डिस्कशन कर लेंगे कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है।
आप इसमें कंफ्यूज मत हो ना, वो भी यही था ये भी यही था ना, इसमें प्रॉफिट में से साइड में रखना है और इसमें असेट्स में से साइड में रखना है, दोनों में डिफरेंस है। और आप जितने क्वेश्चंस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये चीज़ें क्लियर होगी, इसलिए मैं ये एक्सप्लेनेशन भी आज लाया हूँ। इसको ढंग से पढ़िएगा, कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ लीजिएगा, जो मुझसे पर्सनली कुछ स्टूडेंट अगर जुड़े हुए हो उनसे वहाँ पर पूछ लीजिएगा, बट पढ़ना ज़रूर इसको, रिविज़न ज़रूर करना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने, ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग टू ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म। ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म से रिलेटेड, हायर द प्रोविजन रिस्क रेशियो ग्रेटर विल बी स्ट्रेंथ और क्रेडिबिलिटी ऑफ द बैंक। वेरी गुड समर। ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू रिगार्डिंग टू ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म। ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म का आंसर तो क्या होगा, आंसर होगा ये, इट इज एन इंटर मिनिस्ट्रियल बॉडी टू आइडेंटिफाई PSU फॉर स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। जरा देख के बताइए फटाफट फटाफट, इसका आंसर दीजिए कि ये क्या है, जल्दी से जुड़िए लोगों को, जुड़िए फटाफट फटाफट, इसमें लोगों को जोड़िए, आंसर हो जाएगा इसका ए, इट इज एन इंटर मिनिस्ट्रियल बॉडी टू फास्टन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, ये इंटर मिनिस्ट्रियल बॉडी है जो एक प्रकार से क्या करती है कि डिस इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस को बढ़ाती है, और वो भी कौन सा, स्ट्रैटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट। भाई स्ट्रैटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, स्ट्रैटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि अगर आपका कोई भी ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट अगर 51% से ज़्यादा शेयर बेचने को तैयार हो जाए, अगर गवर्नमेंट 51% से ज़्यादा शेयर बेचने को तैयार हो जाए किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट की, मतलब सरकार की कोई कंपनी है, मान लीजिए सरकार की एक कंपनी है, मान लीजिए भारत मोटर्स, भारत मोटर्स एक कंपनी थी सरकार की, तो सरकार की एक कंपनी है भारत मोटर्स, और सरकार उसमें से 51% शेयर बेचने को तैयार हो जाए, तो भाई इसका मैनेजमेंट भी उसके हाथ में चला जाएगा कि नहीं, जिसको ये बेचा जा रहा है। तो ऐसे डिसइन्वेस्टमेंट को बोलते हैं स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, है ना। अब देखिए, अगर अगर ये स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है तो उसका एक रोड मैप बनाना पड़ेगा, किसका डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए, किसका विनिवेश किया जाए जिससे कि हमें प्रॉफिट मिल रहा हो क्या उसका, या प्रॉफिट कम मिल रहा है उसका मैनेजमेंट किसी दूसरे के हाथ में चला जाए तो बेटर है। इसके लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल बॉडी बनाई गई है, यानी कि मंत्रियों का एक समूह बनाया गया है जो बताएगा कि किस तरह से डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए, किस तरह से स्ट्रेटेजिक विनिवेश किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को लाभ हो, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हो सके। सो आंसर ए इज करेक्ट। देखिए ए और बी में बहुत ही माइन्यूट अंतर है, ये आइडेंटिफाई कह रहा है और ये कह रहा है फास्टन द प्रोसेस, आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं है। समझ रहे हो ना, बिल्कुल बिल्कुल समर, आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं है, ये प्रोसेस को तीव्र करने के लिए है। सो आंसर इज ए। कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ऑन लैंडिंग मॉडल, क्वेश्चन नंबर 5 ऑन लैंडिंग मॉडल से रिलेटेड है। आंसर होगा ए, लोन गिवन बाय NBFC आउट ऑफ बैंक बोरोइंग्स टू प्रायोरिटी सेक्टर विल बी कंसीडर्ड एज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। क्या मतलब हुआ इसका जरा देखिए, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इज एप्लीकेबल टू बैंक्स एंड नॉट NBFC। जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं PSL जिसको आप बोलते हो, सभी बैंकों का अपने 40% लोन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को देना होता है। अब देखिए है क्या इसके अंदर, RBI रिसेंटली अलाउड दैट ऑनवर्ड लैंडिंग बाय रजिस्टर्ड NBFCs इंक्लूडिंग MFI मतलब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस फॉर द वेरियस प्रायोरिटी सेक्टर विल बी कंसीडर्ड एज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बाय बैंक्स। व्हाट डज इट मीन, अगर कोई NBFC है, ये NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी अगर बैंकों से उधार लेकर, ये अगर बैंकों से उधार लेकर प्रायोरिटी सेक्टर को लैंड करती है तो ये बैंकों का PSL माना जाएगा। ठीक है ना, ये बैंकों का
PSL माना जाएगा, मतलब बैंकों के उस कोटे के अंदर इसको शामिल किया जाएगा। सो लोन गिवन बाय NBFC आउट ऑफ बैंक बोरोइंग्स टू प्राइवेटी सेक्टर विल बी कंसिडर्ड एज प्राइवेटी सेक्टर लैंडिंग ऑफ द बैंक्स, जिससे कि हमारे देश के अंदर ये प्राइवेटी सेक्टर लैंडिंग के रेशियो को बढ़ाया जाए। इंडिया में प्राइवेटी सेक्टर लैंडिंग जो है वो बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर एग्रीकल्चर तो आती है, इसके अंदर हाउसिंग यानी कि घर बनाना भी आता है, इसके अंदर एजुकेशन भी आता है, इसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि स्टार्टअप्स भी आ गए आजकल, जितने स्टार्टअप्स की लैंडिंग है वो भी इसके अंदर आ गया है, इसके अंदर आपको रिन्यूएबल एनर्जी भी दिखती है, तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर इंक्लूड हो चुके हैं। सो जितना ज़्यादा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होगा उतना ही ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया तेज होगी। जितनी ज़्यादा फाइनेंशियल PSL होगा, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होगी, उतनी ही ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन का प्रोसेस तेज होगा। सो आंसर ए करेक्ट है, और वो क्यों है वो भी मैंने आपको बता दिया। सिक्स क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िए और फिर जवाब दीजिए। टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन इन आर कंट्री मेनली डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, हमारे देश में जो टैक्स रेवेन्यू का कलेक्शन है वो इसमें से किस पर डिपेंड करता है। टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन इज डिपेंडेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, किस पर डिपेंड करता है। एक है ऑप्शन वन नॉमिनल GDP, दूसरा है रियल GDP। तो याद रखना, टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन किस पर डिपेंड करता है, नॉमिनल GDP पर। ये नॉमिनल GDP निकाली जाती है करंट प्राइसेस पर, और रियल GDP निकाली जाती है कांस्टेंट प्राइसेस पर। तो कांस्टेंट प्राइसेस और करंट प्राइसेस यानी कि ये निकाली जाती है स्थिर कीमतों पर, और ये निकाली जाती है चालू कीमतों पर। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, चालू वर्तमान कीमतें। और ये क्या है, एक सेकेंड, चलिए अगले, अगला क्वेश्चन पे आने से पहले, कैसे गलत हो गया रिंकू, गलत कैसे हो गया, आंसर क्या होगा, ओनली वन आंसर क्या होगा, केवल एक इसका आंसर होगा, क्योंकि क्योंकि चालू कीमतों पर ही तो टैक्स कलेक्शन होगा भाई। जैसे कि अगर पंखे बिके 50,000 के चालू कीमतों पर, और कांस्टेंट कीमत पर आ रहे वो मान लीजिए 15,000 के, तो क्या टैक्स इस पर लिया जाएगा। ठीक है, इसलिए आंसर होगा ओनली वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, GST से के रिगार्डिंग, ये तो कई लोगों का सही होना चाहिए, क्यों सही होना चाहिए। चलिए, द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल बी सेम ऑल अक्रॉस इंडिया। GST आने के बाद मार्केट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट ऑल अक्रॉस इंडिया सेम हो जानी चाहिए। ये सही है, क्योंकि GST ने वैट की डिफरेंट रेट्स को ख़त्म कर दिया है, और अब किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस पूरे इंडिया में एक जैसी होगी। ये सही है। द प्रोड्यूसिंग स्टेट विल नॉट गेट GST, ये प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है उसको GST में से कुछ नहीं मिलेगा, ये गलत है। उसको क्या मिलेगा, जब IGST लगेगा, IGST जब लगेगा तो दो भाग होंगे, C और SGST। ओके, ये SGST का रेशियो मिलेगा उसको जो कंजम्पशन क्या हो रहा है, जहां पर उपभोग हो रहा है ना, कंज्यूमर स्टेट को मिलेगा। ये SGST का रेशियो उस राज्य को मिलेगा जो कंज्यूमर स्टेट है। लेकिन ये जो CGST है, ये CGST बाद में जब स्टेट्स के साथ बटेगा तो इसके अंदर प्रोड्यूसर स्टेट को भी मिलेगा और कंज्यूमर स्टेट को भी मिलेगा, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो गया। क्यों, ये बाद में कब बटेगा CGST, जब फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग सिफारिश करेगा कि जो केंद्र सरकार ने टैक्स कलेक्ट किए हैं वो राज्यों के अंदर बांटो, इस रेशियो में बांटो। केंद्र सरकार ने जो टैक्स कलेक्ट किए हैं वो स्टेट्स के अंदर बांटो और इस रेशियो के अंदर बांटो, तो जब वो ये कहेगा कि स्टेट नंबर वन इसको इतना और स्टेट नंबर टू जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है दोनों को दो, तो भाई GST का एक पोर्शन इनको मिल गया कि नहीं मिल गया,
हाँ, आईजीएसटी में से जो एस का पोर्शन है वो सिर्फ कंज्यूमर स्टेट को मिलेगा, तो सेकंड गलत हो गया। इट अलाउज सीम्सलेस पैसेज ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट अक्रॉस द स्टेट्स। ये सही है। टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या हुआ? इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब ये हुआ कि अगर आपने आपका 120 रुपये पर टैक्स लग गया 10% की रेट से, 12 रुपये, ठीक है, लेकिन पिछली स्टेज पर 10 रुपये का टैक्स का पेमेंट हो चुका है, तो वो आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट मान लिया जाएगा, यानी कि नेट टैक्स आपको 2 रुपये ही देना पड़ेगा। इसीलिए तो हम ये कहते हैं कि जीएसटी बेसिकली एक वैल्यू एडिशन टैक्स है जिसने गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को वैट के दायरे में समेट लिया है। जीएसटी बेसिकली एक वैल्यू एडिशन टैक्स है जिसने गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को वैट के दायरे में समेट लिया है। और वैल्यू एडिशन टैक्स क्या होता है? जब टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट के हिसाब से लगने लग जाए तो उसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन टैक्स। जब भी कोई टैक्स जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट पे लगने लग जाए तो उसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन टैक्स। कैसे? और अच्छे से समझिए, कई लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट में कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये क्या है, तो ज़रा समझिए इसको कि मान लीजिए कि ए ने बी को कोई माल बेचा 100 रुपये में, तो ये बी के लिए इनपुट कितना हुआ? 100 रुपये। और बी ने मान लीजिए उसको किसी सी को भेजा 120 रुपये में बेचना चाह रहा था, तो बी के लिए आउटपुट क्या हो गया? 100 रुपये। तो अगर यहाँ पर टैक्स लिया जाएगा तो ये इसका इनपुट है और ये आउटपुट है। यहाँ 100 रुपये पर जो जीएसटी लगेगा उसका भुगतान ये करेगा। अगर मान लीजिए 10% की रेट से 10 रुपये का भुगतान इसने कर दिया, है ना, 10 रुपये का भुगतान या 10 रुपये का पेमेंट ए ने कर दिया 10% की रेट से, तो 10 रुपये का टैक्स का पेमेंट हो चुका है। अब अगर मान लीजिए यहाँ जीएसटी लगा 10% की रेट से, ये कितना हो गया? 12 रुपये। तो अब जब ये 12 रुपये अपना टैक्स का पेमेंट करेगा तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि इधर जो टैक्स का पेमेंट दिया जा चुका है वो इसको वापस मिल जाएगा। इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो मार्केट प्राइस सेम हो जाएगी, ये वाला गलत हो गया, ये सही हो गया। इट विल नॉट लीड टू कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस नहीं रहेगा, तो हमारे पास में इसका सही आंसर होगा 1, 3 एंड 4। 1, 3 और 4 इसके सही आंसर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग वर्षा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और वो ये रहा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टू जीएसटी, जीएसटी आई जीएसटी, आई जीएसटी से रिलेटेड स्टेटमेंट्स को पढ़िए। इन स्टेटमेंट्स को जो आई जीएसटी से रिलेटेड है उनको पढ़िए। तो पढ़िए भाई, देखते हैं भाई। इट इज लेविड बाय द सेंटर ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ द गुड्स। इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है? एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है। इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट स्टेट नंबर वन से स्टेट नंबर टू के अंदर कोई भी गुड्स या सर्विस जा रही है तो इसको बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। तो आई जी एस टी इस पर लगेगा, है ना, जब भी एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर जाएगा तो इस पर क्या लगेगा? आई जी एस टी। कौन लगाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। ये स्टेटमेंट सही है। आई जी एस टी रेट इज इक्वल टू सी जी एस टी प्लस एस जी एस टी या यू टी जी एस टी। बिल्कुल सही है ये भी। एक राज्य से यूटी के अंदर भी तो जा सकता है ना। तो अब देखिए इस आई जी एस टी की रेट क्या होगी? आई जी एस टी के दो भाग बनेंगे, एक सी जी एस टी और एक एस जी एस टी। और अगर ये 5% हुआ, ये भी 5% हुआ, तो भाई आई जी एस टी की रेट कितनी हो जाएगी? 10%। तो ये भी सही है। आई जी एस टी रेट इज इक्वल टू सी जी एस टी प्लस एस जी एस टी। अब देखते हैं थर्ड। द टैक्स रेवेन्यू इज शेयर्ड इक्वली अमंग द सेंटर एंड द कंज्यूमिंग स्टेट यूटी। किसका? आई जी एस टी का जो टैक्स रेवेन्यू है वो कंज्यूमिंग स्टेट के पास जाएगा। तो भाई ऑल ऑफ द अबोव सही हो जाएंगे। मैंने पिछले 4 दिनों से स्पेशल क्लासेस ले रहा हूँ जी एस टी की। 3 क्लासेस थी और आज उसका एक एम सी क्यू सेशन था। आप में से जिनको जी एस टी क्लियर नहीं है, आप में से जिनको भी जीएसटी क्लियर नहीं है, वो कृपया करके ये 4 क्लासेस जरूर देखे,
जो स्पेशल क्लासेस अन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मैंने ले ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन आपके सामने है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया। जब गुड्स एंड सर्विसेज को इंडिया में इंपोर्ट करते हैं, जब भी गुड्स एंड सर्विसेज को इंडिया में आपने आयात किया या इंपोर्ट किया, तब क्या होता है? तो पहला हमारे पास में ये है, दे आर ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाइज, है ना। मतलब जब आपने उसको इंपोर्ट किया तब उस पर जीएसटी कैसे लगेगा, क्वेश्चन ये कहता है। तो भाई जैसे कि एक राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई हो रही हो वैसे लगेगा, यानी कि आईजीएसटी का मैकेनिज्म उस पर काम करेगा। जब भी विदेशों से कोई चीज आ रही हो तो उस पर आईजीएसटी का मैकेनिज्म काम करेगा। लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य पर जाते समय कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगती थी, बट अगर इंपोर्टेड चीज है तो पहले उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी और फिर आईजीएसटी लगेगा। कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है कि आपने आयात पर जो है वो कर लगाया है। तो कस्टम ड्यूटी इज एप्लीकेबल ऑन एंड जीएसटी, आईजीएसटी आर बोथ एप्लीकेबल। तीसरा क्या बोलता है, ओनली जीएसटी इज एप्लीकेबल, गलत। इंपोर्ट्स आर जीरो रेटेड, मतलब कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, ये भी गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 एंड 2 ओनली, एक और दो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म पंप प्राइमिंग मीन्स, पंप प्राइमिंग मीन्स क्या होता है? पंप प्राइमिंग, व्हाट इज पंप प्राइमिंग, पंप प्राइमिंग किसे कहते हैं? थैंक यू रिंकू भाई, ठीक है ना। आप देखते हैं, इट्स अ वे टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी बाय रिड्यूसिंग टैक्सेस। देखिए भाई, जब भी इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन आता है, देखते को बहुत रटवा रहा हूँ यार आप लोगों को, एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार अलग अलग तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छे से क्लासेस अटेंड कर जाओ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ये जो 4 अक्टूबर का पेपर है इसमें इकोनॉमी में आप मार नहीं खाओगे। अब देखिए, जब स्लो डाउन होता है तो इधर गवर्नमेंट कोशिश करती है कि मार्केट के अंदर किसी तरह से डिमांड उत्पन्न की जाए, मतलब परचेजिंग पावर को बढ़ाया जाए, और गवर्नमेंट के साथ में आरबीआई भी कोशिश करता है। ये सारी कोशिशें पंप प्राइमिंग कहलाती है। ये सारे एफर्ट्स क्या कहलाते हैं? पंप प्राइमिंग के एफर्ट्स कहलाते हैं। सो व्हाट इज पंप प्राइमिंग? इट इज अ वे टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी बाय रिड्यूसिंग टैक्सेस। गवर्नमेंट इस पर क्या काम करती है? गवर्नमेंट सबसे पहले क्या करती है, टैक्स को रिड्यूस करने का काम करती है, ताकि लोगों के जेब में पैसा बच जाए और डिमांड बढ़ जाए। तो इट इज़ अ वे टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी बाय रिड्यूसिंग टैक्सेस, ठीक है ना। मतलब ये सरकार का काम है। इट इज़ डन इन इकोनॉमी स्लो डाउन, इट इज़ डन इन इकोनॉमिक स्लो डाउन बाय इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग को मतलब सरकार के खर्चों को भी बढ़ाती है। सरकार के खर्चे बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाने का साफ साफ मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट लोगों के ऊपर खर्च करती है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग का ये मतलब नहीं होता कि गवर्नमेंट जो है वो अपने ऊपर खर्च करती है, सरकार के खर्चे नहीं, सरकार द्वारा किए गए खर्चे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट जो खर्चे लोगों के लिए करती है वो बढ़ते हैं पंप प्राइमिंग में, जैसे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी स्कीम चलाते हैं, है ना। जैसे कि मनरेगा की रेट्स वगैरह बढ़ा दी सरकार ने, मतलब उसके अंदर जो भत्ता दिया जाता है वो बढ़ा दिया है। गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम चलाती है तो गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग को बढ़ाती है। आप देखिएगा कि इंडिया में जो जीडीपी गई है नीचे, उसमें जब हम देखते हैं कि डिमांड किसकी बढ़ी है, तो कंज्यूमर की कोई डिमांड नहीं बढ़ी है, बिजनेस की कोई डिमांड नहीं बढ़ी है, लेकिन गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ी है। ये बढ़ी है उसके बावजूद जीडीपी -24 तक पहुंच गई है, -23.9। मतलब सरकार को ये स्पेंडिंग और बढ़ानी चाहिए। आरबीआई प्रिंट्स एक्स्ट्रा मनी, नहीं भाई, आरबीआई अगर एक्स्ट्रा मनी प्रिंट करता है
और फिर लोगों को देता है तो वो तो हेलीकॉप्टर मनी हो जाएगा। ये पंप प्राइमिंग नहीं है। ओनली बी वाला आंसर सही होगा, 1 और 2 ओनली। ठीक है, ओनली जो है क्या हो जाएगा, 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, देखते हैं इसको कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? प्रोग्रेसिवनेस इन पर्सनल इनकम टैक्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय हैविंग मोर टैक्स स्लैब्स। पर्सनल इनकम टैक्स के अंदर प्रोग्रेसिवनेस लाई जा सकती है अगर हम ज्यादा स्लैब्स बना दे तो। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैन हेल्प इन स्टिमुलेटिंग द इकोनॉमी बाय इंक्रीजिंग कंजम्पशन। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, ओफो अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए और फिर देखिए कि इसके अंदर क्या आंसर होगा। सबसे पहले क्या है, प्रोग्रेसिवनेस इन पर्सनल इनकम टैक्स कैन बी इंक्रीज बाय हैविंग मोर टैक्स स्लैब। मोर टैक्स स्लैब्स का मतलब क्या हुआ, आज इंडिया के अंदर एक प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। हम क्या बोलते हैं, अगर आपकी इनकम इतनी है, इस रेंज के अंदर है, तो इतना टैक्स लगेगा। इनकम बढ़ी फिर इतना टैक्स लगेगा, इनकम और बढ़ गई टैक्स की रेट और बढ़ गई, इनकम और बढ़ गई टैक्स की रेट और बढ़ गई। ये जो आ रहा है आपके पास में, ये पट्टियाँ जो आपको मिल रही है, ये टैक्स स्लैब ही तो है। स्लैब का मतलब क्या हुआ, ये 5% की रेंज है मान लो, ये मान लो 10% की रेंज है, ये 15% की रेंज है, ये 20% की रेंज है। अब अगर हमारा क्वेश्चन पढ़िए तो वो क्या है, प्रोग्रेसिवनेस इन पर्सनल इनकम टैक्स कैन बी इंक्रीज बाय हैविंग मोर टैक्स स्लैब। अगर आप जितनी स्लैब बनाओगे उतनी ज़्यादा ये प्रोग्रेसिवनेस बढ़ेगी, प्रगतिशीलता बढ़ेगी। पहला स्टेटमेंट सही है। प्रगतिशीलता का मतलब क्या हुआ, इनकम बढ़ने के साथ टैक्स की रेट भी बढ़ती जाए, आय बढ़ने के साथ टैक्स की रेट भी बढ़ती जाए, इट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिवनेस। अब अगला सेकंड क्वेश्चन, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैन हेल्प इन स्टिमुलेटिंग द इकोनॉमी बाय इंक्रीजिंग कंजम्पशन। अब इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, जिन लोगों की इनकम ज़्यादा उससे ज़्यादा टैक्स लिया, इससे ज़्यादा लिया, इनसे भी लिया और इनसे भी लिया, और लेकर क्या किया, इन पैसों से गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट के काम किए और एक पैसा खर्च किया वेलफेयर के लिए, जो लो इनकम ग्रुप था उसके वेलफेयर के लिए, है ना। गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट पर पैसा खर्च किया और वेलफेयर के लिए पैसा खर्च किया, किस पर, लो इनकम ग्रुप जो होता है, जिनकी आय बहुत कम है, ये लोग बेचारे जिन पर टैक्स ही नहीं है, या ये लोग जिन पर बहुत कम टैक्स है। तो अगर गवर्नमेंट ने इनके लिए कम पैसा, इनके लिए वेलफेयर पर पैसा खर्च किया, तो अब ये क्या करेंगे, अगर इनको DBT मिला, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मिला, अगर इनको मनरेगा जैसी स्कीम मिली, तो अब इससे इनकी डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, मतलब परचेसिंग पावर बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। जब ये डिमांड बढ़ेगी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन करने के लिए प्रेरित होंगे कि नहीं होंगे। मनरेगा के लिए एक डेटा भी आया था कि मनरेगा स्कीम के बाद रूरल इकोनॉमी के अंदर डिमांड बढ़ी है, ग्रामीण इकोनॉमी के अंदर डिमांड बढ़ी है मनरेगा स्कीम लॉन्च होने के बाद। सो मनरेगा जैसी स्कीम्स क्या करती है, कंजम्पशन बढ़ाती है, और अगर कंजम्पशन बढ़ाती है तो इकोनॉमी के अंदर आप क्या देखते हो, इकोनॉमी के अंदर स्टिमुलेट होता है कि नहीं होता है, मतलब स्टिमुलेशन होने का मतलब कि करेंसी बहुत तेजी से सर्कुलेट होती कि नहीं होती है। अगर एक दुकानदार के पास में दिन भर में 10 ग्राहक आए और अगर डिमांड बढ़ गई तो इकोनॉमी के अंदर वो 100 ग्राहक आ गए, ये जो है इसको क्या कहते हैं, इकोनॉमी की स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलेटिंग का मतलब उसको फोर्स कर एक्सेलरेट कर आगे बढ़ाना। सो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैन हेल्प इन स्टिमुलेटिंग द इकोनॉमी बाय इंक्रीजिंग कंजम्पशन। मार्केट के अंदर तेजी आती है, लोग खरीदारी करने पहुंचते हैं, वो लोग भी जो आज से पहले कम निकलते थे क्योंकि बेचारों की जेब में पैसे नहीं होते थे, गवर्नमेंट ने रीडिस्ट्रीब्यूशन करके, सरकार ने आय का पुनर्वितरण करके, रीडिस्ट्रीब्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, आय का पुनर्वितरण। पुनर्वितरण का मतलब हायर इनकम ग्रुप से हायर टैक्स लगाकर गवर्नमेंट ने एकत्र किया, उसके बाद में डेवलपमेंट के कामों पर खर्च किया और बहुत बड़ा अमाउंट वेलफेयर के कामों पर भी खर्च किया। डेवलपमेंट का फायदा तो सब उठाएंगे, लेकिन वेलफेयर का फायदा गवर्नमेंट टारगेटेड रूप से देती है। टारगेटेड का मतलब होता है कि बिलो पॉवर्टी लाइन हुआ,
अंत्योदय राशन कार्ड हुआ, आयुष्मान भारत की योजना हुई, एलपीजी का जो जो आपने सुना होगा कि सिलेंडर जो है वो मिलना हुआ, तो ये उज्ज्वला स्कीम जिसको आपने देखा था, तो ये उज्ज्वला स्कीम हुई, मनरेगा स्कीम हुई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हुए, ये सब क्या है? आयकर पुनर्वितरण है। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी, बोथ वन एंड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स हैड द हाईएस्ट शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर इन द ओवरऑल बजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2019-20 में, सबसे ज्यादा इन जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, देखिए गवर्नमेंट की रिसीप्ट में सबसे ज्यादा रेशियो था बोरोइंग्स का। फिर रिकॉल करा दिया मैंने आपको, सरकार को जो मिला था 2019-20 में वो बोरोइंग से सबसे ज्यादा मिला था, उधारों से। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सरकार के खर्चों में सबसे ज्यादा क्या था, तो खर्चों में था इंटरेस्ट पेमेंट भाई। जो सरकार को ब्याज का भुगतान गवर्नमेंट ने किया वो गवर्नमेंट के खर्चों में 2019-20 के बजट में मैक्सिमम था। जरा देखते हैं कितना इंटरेस्ट पेमेंट हुआ। इंटरेस्ट पेमेंट हुआ 6.6 लाख करोड़ का, इंटरेस्ट पेमेंट हुआ 6.6 लाख करोड़ का। उसके बाद पूंजीगत खर्चा हुआ 3.5 लाख करोड़ का, कैपिटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के खर्चों को अगर देखें तो इंटरेस्ट पेमेंट नंबर वन पर जा रहा है, उसके बाद आ रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि डेवलपमेंट के कामों पर एक्सपेंडिचर, उसके बाद आ रही है सैलरी एंड पेंशंस यानी कि ये रहा थर्ड, और उसके बाद में डिफरेंट टाइप की सब्सिडीज, एक्सप्लिसिट सब्सिडीज जो है उनका रेशियो आ रहा है ये 3 लाख करोड़ का। तो ये हमारे पास फिगर पहुंच रहा है कितना, 6.6 लाख करोड़। अच्छा एक और बात है, ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो भी तो पिछले कैपिटल एक्सपेंडिचर का ही भी एक पार्ट है ना, जो पिछले ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ उसी के लिए तो आपने उधार लिया होगा। देखिए उधार आपने दो तरह से ले सकते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने के लिए और क्या कैपिटल डेफिसिट को पूरा करने के लिए। यानी कि आपने उधार लिया है तो या तो राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए लिया होगा या पूंजीगत घाटे को पूरा करने के लिए। अगर आपने दोनों का बराबर बराबर भी ले लिया हो मान लीजिए, तो ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट पिछले साल के कैपिटल एक्सपेंडिचर का पेमेंट करने के लिए तो हो रहा होगा। इसका साफ साफ मतलब ये है कि हाँ, प्लांड और अनप्लांड खत्म हो गया समारंभ है ना, अब गवर्नमेंट ने पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त कर दी है तो प्लांड और अनप्लांड तो खत्म ही हो गई बात। तो इसका मतलब याद रखिएगा इंडिया सही डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट अगर आप सबसे ज़्यादा कर रहे हो तो ये इंटरेस्ट पेमेंट भी शो कर रहा है कि आपने उधार लेकर या तो वेलफेयर काम किए हैं या आपने उधार लेकर डेवलपमेंट की गतिविधियां की है, तभी तो घाटा हुआ है। तो बजट का घाटा जो है वो नुकसानदायक हमेशा नहीं होता। 13th क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 13, एग्रीकल्चर जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस हैज स्टेडीली इंक्रीज इन द लास्ट 10 इयर्स। क्या ऐसा है क्या इंडिया का जीडीपी में एग्रीकल्चर जीडीपी जो है क्या पिछले 10 वर्षों में लगातार बढ़ रही है क्या? तो इसका जवाब होगा नहीं, एग्रीकल्चर जीडीपी पिछले 10 वर्षों में लगातार नहीं बढ़ रही है। सेकंड देखते हैं, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस हैज स्टेडीली इंक्रीज इन द लास्ट 10 इयर्स। जवाब दीजिए इसका कि कांस्टेंट प्राइसेस पर क्या हमारी जीडीपी लगातार बढ़ रही है? तो याद रखना कि अगर हम इस पिछले 6-8 महीने के सीन को छोड़ दें तो साल भर की जीडीपी का जब पैटर्न निकलेगा तो ये जो 6-8 महीने के सीन को अगर छोड़ दें तो कॉन्स्टेंटली हमारी जीडीपी जो है पिछले 10 सालों में लगातार बढ़ रही है। तो आंसर होगा 2, लेकिन अगर आप पेपर 2021 में दे रहे हो, 2022 में दे रहे हो, कभी भी दे रहे हो, उस समय ध्यान रखना कि पैटर्न क्या हो गया है। समर आपने अभी करंट सिचुएशन को देखकर आंसर लगा दिया, मैं आपको गलत नहीं मानूंगा, ठीक है ना, आपको मैं गलत नहीं मानूंगा। लेकिन अगर हम एक पैटर्न देखें 14, 15, 16, 17, 18, 19, क्योंकि 20 की जीडीपी के फाइनल डेटा तो अब आने हैं ना, हम तो 3-3 महीनों के डेटा देख रहे हैं अभी, तो 20 की जीडीपी के फाइनल डेटा आएंगे और वो आएंगे तो मैं मानता हूँ कि वो नेगेटिव में ही जाएंगे, है ना, लेकिन एक बार आने तो दो। इसलिए जिन लोगों ने आंसर डी लगाया है उनका उनका दिमाग उनका प्रस्पेक्टिव मैं समझ रहा हूँ कि उन्होंने डी क्यों लगाया है,
लेकिन मैंने भी इसलिए लगाया है क्योंकि मैंने 2019 तक की फाइनल जीडीपी मानी है, अभी 2020 के डेटा को लिया ही नहीं है क्योंकि ईयर बाय ईयर वो कंपैरिजन पूछ रहा है। बट हाँ, जब आप 2021 में दोगे तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भी डी आंसर लगा रहा है, मैं समझ पा रहा हूँ कि उन्होंने डी क्यों लगाया और वो गलत नहीं है, अपनी जगह वो सही है, वो बहुत ज़्यादा अपडेटेड है जबकि आपको 2019 के हिसाब से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग टू ओपन मार्केट सेल स्कीम। ओपन मार्केट सेल स्कीम क्या होती है? देखिए, ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर डिफरेंट और ये ओपन मार्केट सेल स्कीम के बारे में बात हो रही है। तो आंसर होगा बी, इट इज डन बाय द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया टू सेल फूड ग्रेन्स। जो खाद्यान्न है उसको बेचने के लिए FCI के द्वारा ये काम किया जाता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये काम किया जाता है। क्या होता है? FCI सेल सरप्लस स्टॉक्स ऑफ वीट एंड राइस अंडर ओपन मार्केट सेल स्कीम। FCI जो होता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, वो इस स्कीम के तहत किसको, गेहूं और चावल को, फूड एंड वीट एंड राइस को ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंतर्गत बेचता है एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइसेस थ्रू ई ऑक्शन इन द ओपन मार्केट फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय समय के अंतर ऐसा होता रहता है और तरीका होता है ई ऑक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वे में इसका ऑक्शन होता है। क्यों? इट इनहेंस द सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन ड्यूरिंग द लीन सीजन एंड देयर बाय मॉडरेट द ओपन मार्केट प्राइस स्पेशली इन द डेफिसिट रीजन्स। इससे होता यह है कि FCI इनको कब बेचेगा, जब प्रोडक्शन कम हो, इनकी मांग तो बनती है लेकिन इनकी सप्लाई कम हो। सप्लाई अगर कम है तो उस समय ये काम FCI करेगा जिससे कि मार्केट के अंदर इनकी सप्लाई ठीक बनी रहे, प्राइसेस जरूरत से ज़्यादा नहीं बढ़े और डेफिसिट रीजन्स जहाँ पर इनकी कमी है वहाँ भी इनको सप्लाई किया जा सके। नवीकरण के टॉपिक है, आप स्पेशल थैंक यू भाई समर। ठीक है, कोशिश करूँगा कि और भी आपको अपडेटेड रखने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना, आप UPSC से ये नाम कहो कि आगे बढ़ाओ, आप कहो कि जल्दी जल्दी लो और हमें फ्री करो क्योंकि मेंस की तैयारी भी करनी है। ठीक है, आपकी स्थिति वो होनी चाहिए कि आप UPSC को बोलो कि यार डेट मत बढ़ाओ, जल्दी जल्दी लो पेपर, हमें फ्री करो प्री जैसी चीज़ों से, फिर हम मेंस की तैयारी भी करेंगे। चलिए, इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लिमिट। रिसेंटली एक टर्म हमारे सामने आई है, इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लिमिट, व्हाट डज इट मीन? आराम से क्वेश्चन को देखिए पहले। देखिए भाई, इसका आंसर होगा पेस्ट मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स। क्या है इसका एक्सप्लेनेशन, जरा देखिए। इन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लिमिट इज द इंसेक्ट पॉपुलेशन लेवल और एक्सटेंट ऑफ क्रॉप डैमेज एट विच द वैल्यू ऑफ द डैमेज क्रॉप एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ कंट्रोलिंग द पेस्ट। मतलब जो ये वो लिमिट है, जब कोई पेस्ट मैनेजमेंट होता है ना, तो ये वो लिमिट है जिसके अंदर इज द इंसेक्ट पॉपुलेशन लेवल और एक्सटेंट ऑफ क्रॉप डैमेज, मतलब कितनी क्रॉप डैमेज हुई है, आपकी क्रॉप कितनी डैमेज हुई है, एट विच द वैल्यू ऑफ द डैमेज क्रॉप्स एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ कंट्रोलिंग द पेस्ट। मतलब आपकी डैमेज कॉस्ट जो है उससे बढ़ती है ना, आप जिसको कॉस्ट पेस्टिसाइड्स के कंट्रोल रखने के लिए आप जो कॉस्ट लगाते हो, जैसे डैमेज कॉस्ट उससे बढ़ती है उसको इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लिमिट कहते हैं और ये पेस्ट मैनेजमेंट जो होता है क्रॉप्स का उससे रिलेटेड है। यार ये मुझे प्रोबेबल क्वेश्चन लग रहा है, ये मुझे प्रोबेबल क्वेश्चन लग रहा है भाई। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से देख लेना ये क्या होता है। PM आशा, PM आशा स्कीम,
प्राइस सपोर्ट नो, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम नो, पायलट ऑफ प्राइवेट प्राइवेट प्रोक्यूरमेंट नो, आंसर इज बी प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम। पीएम आशा जो है वो प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम है, जरा देखते हैं ये है क्या। देखिए भाई, पीएम आशा स्कीम इज एम्ड एट एंश्योरिंग रेम्यूनरेटिव प्राइसेस टू द फार्मर फॉर देयर प्रोड्यूस एज अनाउंस इन द यूनियन बजट फॉर 2019। ठीक है ना, मतलब किसान ने जो उत्पादन किया है उसकी रेम्यूनरेटिव प्राइसेस जो है उससे रिलेटेड चीज है। द न्यू अम्ब्रेला स्कीम इंक्लूड द मैकेनिज्म ऑफ एंश्योरिंग रेम्यूनरेटिव प्राइसेस टू द फार्मर एंड इज कंप्राइज ऑफ थ्री सब स्कीम्स। इसकी तीन सब स्कीम्स है, इनके साथ में तीन सब स्कीम्स है, प्राइस सपोर्ट, प्राइस स्टेबलाइजेशन और पायलट ऑफ प्रोक्यूरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। ये सब इसकी सब स्कीम है, लेकिन बेसिकली क्या है ये प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम, ताकि फार्मर जो है उनको अपनी फसल की उचित कीमत मिल सके, रेम्यूनरेटिव प्राइस इसके अंदर मिल सके। संध्या गौतम ने लगाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होती है? व्हाट इज द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होती है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। नंबर ऑफ पर्सन इन द लेबर फोर्स एज अ परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन। हाँ, तो नोटा पार्ट के तो डिस्कस किया, ये तीनों तो हैं। कहाँ पूछा है नोटा पार्ट? अच्छा, ए सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, प्राइस सपोर्ट। चलिए 17वें क्वेश्चन को देखिए, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मोटा पार्ट है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या हुई? व्हाट इज द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट? व्हाट इज द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होती है, जरा बताइए, फटाफट जवाब दीजिए मुझे। 17वें क्वेश्चन का आंसर ए, द नंबर ऑफ पर्सन इन द लेबर फोर्स एज अ परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन। बिल्कुल सही है। क्या होती है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का मतलब क्या हुआ, ये इंडिया में कितनी है, 50 करोड़, विच इंक्लूड्स पीपल हु आर एम्प्लॉयड और नॉट एम्प्लॉयड बट एक्टिवली सर्चिंग फॉर जॉब्स। याद रखना, इसके अंदर उन लोगों को भी कंक्लूड किया जाता है, ये उसके अंदर उन लोगों को भी इंक्लूड किया जाता है जो जॉब सर्च कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट होना जरूरी नहीं है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होती है, नंबर ऑफ द पर्सन इन द लेबर फोर्स एज अ परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन। वर्किंग एज पॉपुलेशन को कितनी है और कितना, वर्किंग एज पॉपुलेशन का कितना लेबर फोर्स है, उसको बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो आंसर हो जाएगा 17th क्वेश्चन का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल समर एक बार आ रहा हूँ उस पर, वापस आ रहा हूँ अभी मैं 16th क्वेश्चन पर आ रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो नॉट वाला कंफ्यूजन वाला भी आपको रहेगा। द सेंट्रल नेशनल क्या है, द नेशनल सेंसस इज कंडक्टेड, एक सेकेंड, चलिए इसको देख लेते हैं। द नेशनल सेंसस इज कंडक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज। नेशनल सेंसस किस एजेंसी के द्वारा, सेंसस यानी कि जनगणना कौन करता है, आंसर होगा भैया बी, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है NSSO, वो
अच्छा ऑफिस भी है इसके अंदर, सी आंसर होगा भाई। लीलाधर आप मतलब पिंकी सही कह रहे हैं, संध्या, रिंकू, सागर, गौतम, सही है सही है सही है, सी आंसर होगा। रजिस्टर, रजिस्ट्रार, सेंट जनरल, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसेस कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, दैट इज द सी आंसर इज करेक्ट आंसर। एक सेकेंड, अब जरा इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज नॉट अ पार्ट ऑफ पीएम आशा, तो पीएम आशा के अंदर कौन कौन सा पार्ट है। पीएम आशा की तीन सब स्कीम है, प्राइस सपोर्ट, प्राइस स्टेबिलाइजेशन, पायलट ऑफ प्राइस प्रोक्यूरमेंट एंड स्टॉक इट स्कीम। अब देखते हैं, ये होगा सी आंसर होगा। ए बी और डी उसका पार्ट है, ए बी और डी उसका पार्ट है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। ए बी और डी इसका पार्ट है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, तो नॉट वाले से कंफ्यूज मत होना, ए बी और डी इसका पार्ट है। फिर कह रहा हूं, प्राइस सपोर्ट, प्राइस स्टेबलाइजेशन और पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट, ये इसका पार्ट है। तो प्राइस सपोर्ट भी है, स्टेबलाइजेशन भी है, डेफिशिएंसी पेमेंट नहीं है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग। कल भी अपनी क्लास इसी टाइम होगी 8 बजे। कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, क्लास कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। देखिए भाई, इतने सारे YouTube चैनल हैं अनअकैडमी के, अनअकैडमी आर्टिकुलेट जिस पर आप पढ़ रहे हो, अनअकैडमी करंट अफेयर्स, एक्सपीडिशन, लक्ष्य, टेलीग्राम अनअकैडमी आर्टिकुलेट और फेसबुक जो है प्रिपरेशन बाय अनअकैडमी, इनको अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको डिफरेंट स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। साथ साथ में ये अनअकैडमी का एक 2 ईयर कोर्स है, जिसका यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर बताया गया है, 64,000 का ये कोर्स है, और 2 साल के लिए इसके अंदर जीएस प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट, जीएस के साथ सीसेट भी। कल ऐप में क्लास बिल्कुल होगी, 6:30 बजे ऐप में भी क्लास होगी, 8 बजे यूट्यूब पे भी क्लास होगी, 9 बजे प्लस पर भी क्लास होगी। ठीक है ना, कल ऐप में क्लास होगी 6:30 पर, 8 बजे कल यहाँ भी होगी। तो ए अन अकेडमी के अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो अमित सर 10 रेफरल कोड, ये रहा, ये कोड आपको दिख रहा होगा, अमित सर 10, अमित सर 10 रेफरल कोड को आप यूज़ करें और अन अकेडमी के कोर्सेज को आप जो है अवेल कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं 8 बजे।